प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संतुलन के संकल्प के साथ पशु पक्षियों के प्रकृति में योगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हरदोई के सांडी पक्षी विहार में पक्षी महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर स्थान रखने वाले सांडी पक्षी विहार में आज पक्षी महोत्सव में नवयुवकों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति विशेष रुचि दिखाई। इस पक्षी विहार में इस समय अतिथि साइबेरियन और चाइना आदि के 550 प्रजातियों के पक्षियों की धूम मची है। सारस, सुरखाव, पेंटल, नक्टा और सुदर्शन प्रजाति के पक्षियों के कलरव की धुन विशेष कर स्कूली बच्चों और पर्यटकों को मोह रही है। पर्यावरण तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ नवयुवकों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस महोत्सव में बर्ड वॉक, चित्रकला और क्विज प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। आज के महोत्सव का उद्घाटन मल्लावा क्षेत्र के विधायक आशीष कुमार सिंह आशु और जिलाधिकारी पुलकित खरे ने किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक एपी सिन्हा तथा वन्य जीव प्रतिपालक उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि शीघ्र ही इस सांडी झील को और अधिक विस्तृत किया जाएगा तथा झील में पानी भरने के लिए पास ही स्थित गर्रा नदी से एक नहर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय जलवायु में हो रहे परिवर्तन के कारण नई पीढ़ी को जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ये हरदोई की शान है, सांडी पक्षी महोत्सव बहुत पहले से था कि यहाँ पे लोग चाहते थे कि एक ऐसा स्थान हो, जगह भी है, पक्षी आते हैं, लेकिन कभी किसी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा है कि वहाँ पे एक अच्छा पर्यटन स्थल बनाया जाए। पक्षी दूर दूर से आते हैं और उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहाँ पे आराम से रुके, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने का अच्छा स्थान यहाँ पे हो जाए, इसलिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और यहाँ पे हमारे अधिकारी गण लगकर के सरकार के प्रयास को सार्थक कर रहे हैं। सांडी पक्षी महोत्सव की आज शुरुआत हुई है, 3 से 5 फरवरी के बीच मनाया जा रहा है। कोशिश ये करी जा रही है कि इस बर्ड सेंचुरी को न केवल प्रदेश के बल्कि देश के पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए, जिससे सांडी का भी और हरदोई का भी नाम गौरवान्वित हो। यहाँ 3500 से अधिक प्रजाति के पक्षी आते हैं, खासकर इस मौसम में जो माइग्रेंट मौसम होता है। कोशिश करी जा रही है कि जनपद के बच्चों को इससे, स्कूलों को, जनपद वासियों को इससे जोड़ा जाए। यहाँ पे अनेक तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए रखी गई हैं, चाहे वो चित्रकला प्रतियोगिता हो, चाहे वो रंगोली प्रतियोगिता हो, फोटोग्राफी वॉक हो, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। इन एक्सपर्ट्स के माध्यम से पक्षियों के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। पूरा प्रयास इसी उद्देश्य से करा जा रहा है कि पर्यटन के मानचित्र पे सांडी की एक पहचान बने, इस बर्ड सेंचुरी की एक पहचान बने, जिससे न केवल प्रदेश से बल्कि देश विदेश से भी जिस तरह पक्षी आते हैं, उसी तरह पर्यटक भी हमारी इस धरती पर आए। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए हरदोई से सुनील मिश्रा की रिपोर्ट।